वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उसकी ये जांच नहीं की कि आखिर ये परिस्थिति क्यों आई, जबकि एक वीडियो और थी जिसमें दरोगा जी उस महिला को अपनी रिवाल्वर दे रहे हैं जो कि अब वायरल हुई है और उसने उसके ऊपर तान दी थी। इससे पहले भी लखनऊ में एक कांड हो चुका है, उन्होंने कहा कि ले इसको गोली मार दे। वो हमारे पार्षद मिंटू जिनका वो रेस्टोरेंट है, उन्होंने उस रिवाल्वर को पकड़ लिया और वो उसमें कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं कि मार मुझे गोली मार। दरोगा का सर्विस रिवाल्वर महिला को देना पहला एक्ट, और महिला के द्वारा रिवाल्वर उधर तान देना दूसरा एक्ट, तीसरा उन दोनों ने कमरे की डिमांड की जबकि उस रेस्टोरेंट में मेरी जानकारी के अनुसार कोई कमरा नहीं है। आखिर वो चाहते क्या थे रात को? और उसकी थाने से आमद कहाँ के लिए दर्ज है ये भी पुलिस को देखना चाहिए, और वो बैठा कहाँ ये भी उसको देखना चाहिए। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने का यह काम है, और विपक्षी पार्टियां जो अपने बूते कुछ नहीं कर पा रही हैं, इस तरीके की घटनाओं को उसका एक अंश दर्शा करके पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं, जो निंदनीय है, और पुलिस को निष्पक्ष रूप से इसमें अपना काम करना चाहिए। हमने किसी प्रकार का कोई भी उपद्रव या कोई अन्य प्रकार की कार्रवाई नहीं की है। हमारे कार्यकर्ता केवल प्रोटेस्ट में आए थे उस वीडियो को लेकर के कि आप इस वीडियो को भी देखिए और हमारी भी जो FIR है उसको दर्ज कीजिए, और धारा 154 कहता है कोई भी FIR है उसको दर्ज करना आवश्यक है। तो हमारी जो तहरीर पहले की आई हुई है उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, हम उसी लिए यहाँ खड़े हैं। हमारी तहरीर भी दर्ज होनी चाहिए और उसके तहरीर के अनुसार जो उसमें धाराएं हैं वो उसके ऊपर अंकित करके उनकी भी गिरफ्तारी की जानी चाहिए।